प्यार से बुलाया शिवम लौट आया। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रवचन के। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या जीन शक्तिमान को हरा सकती है। जीन के पास कॉस्मिक पावर है, उसके पास बहुत ज्यादा ताकतवर है। इतनी ताकत है कि उसने तो प्रोफेसर एक्स की खोपड़ी भी उड़ाने की कोशिश की थी। तो क्या जीन शक्तिमान को हरा सकती है, क्योंकि जीन ने वुल्वरीन के भी टुकड़े करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन दिल पे टेटानाइट टेडमेंटियम रख के उसे खंजर से घोप दिया था। तो दोस्तों इसीलिए क्या जीन शक्तिमान को हरा सकती है, वैसे तो वो अभी होगी कहीं, लेकिन क्या वो शक्तिमान को हरा सकती है? अगर जीन और शक्तिमान में लड़ाई हुई तो शक्तिमान जीत जाएगा, क्योंकि शक्तिमान के पास भी टेलीकिनेसिस पावर है और शक्तियों से भरा पूरा हीरो है अपना। उसके पास भी टेलीकिनेसिस पावर है, उड़ भी सकता है, गोल गोल भी घूम सकता है और अपने दिमाग को कंट्रोल भी कर सकता है और दूसरों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता है, और गीता विश्वास से बिना किसी रिचार्ज किए टेलीपैथी से बतिया भी सकता है। तो इसीलिए शक्तिमान ही जीतेगा, उसके पास जो साइकिक पावर है वो सारी भी है और इसीलिए अपना शक्तिमान सबसे आगे। तो जीन और शक्तिमान में अगर लड़ाई हुई तो शक्तिमान जीन से लड़ सकता है और उसे हरा भी सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत पावर है और वो अपने क्लोन भी बना सकता है। मतलब समझ लो जीन उसे खत्म नहीं कर सकती और वो शक्तिमान खुद को पुनर्जीवित भी कर सकता है, क्योंकि उसने गीता विश्वास को किया था जो कि गलत था, लेकिन खुद को जीवित करेगा तो वो गलत नहीं है, क्योंकि उसे तो धरती की रक्षा भी करनी है। तो इसीलिए सुपर हीरो अपने लिए चाहे जो कर सकता है लेकिन दूसरे के लिए नहीं, दूसरों की मदद ही कर सकता है। तो इसीलिए जीन को शक्तिमान बड़े ही आराम से हरा सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो हमारे लाइक बटन को भी जिंदा कर दो। बाय बाय।